कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज जींद पहुंचे और यहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जनता को लूटने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अब सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेगी। अहंकारी सरकार है ये, जो अपना इन्होंने बिजली का, जो हरियाणा सरकार ने 100 यूनिट से ज़्यादा खपत होगी तो 25 पैसे एक्स्ट्रा, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम आज जो ये यहाँ पे हमने एक इसको आप प्रदर्शन के रूप में माने, ये हमने आज से शुरुआत कर दी। हम सड़क से लेके और संसद तक इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो डीजल पेट्रोल का तो हर रोज़ आप देख रहे हो क्या हाल है जी। अब ये बिजली, हर सरकार नए नए तरीके ढूंढ के कैसे निचोड़ा जाए, हर आदमी की बजट की, हर आदमी की जेब को कैसे निचोड़ा जाए, उस पे सरकार ऐसा रखता है कि भाई नई नई परियोजनाएं बनाती है, बैठ के बात करते हैं और उस पे अमल करते हैं। एक और बात, 134A 134B इनके तहत जो गरीब परिवारों के बच्चों को हुड्डा सरकार के समय जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिले दिलाने के लिए जो योजना हम लेके आए थे, आज इन्होंने उनको निरस्त करके अपना गरीब विरोधी चेहरा एक बार उजागर कर दिया। सरकार गरीब बच्चों को असहाय ना समझे, सरकार गरीब बच्चों को अकेला ना माने, हम उनके साथ हैं। दरअसल आज जींद के बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप गिल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए 134A का प्रावधान किया था, लेकिन अब मनोहर सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। इससे साबित होता है कि मनोहर सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती। तो खत्म कर दिया, ये एक बहुत, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और ये जो है 10% ही था, मैं आपको बताऊं, हरियाणा 25% नहीं था, ये 10% ही लागू हुआ था, हुड्डा सरकार के समय लागू हुआ था। और जो है प्रस्ताव 25% का था, लेकिन कहीं ना कहीं बात करके सारे प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन से कि कितना वो बोझ उन पे पड़ सकता है, कितनी सरकार उसमें मदद करे, सारी चीज़ बात होने के बाद 10% का ये फैसला था। और वो 10% भी भाजपा को गवारा नहीं आया, इस सरकार को, खट्टर साहब को, खट्टर सरकार को गवारा नहीं आया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य में नौकरियां लगातार खत्म की जा रही हैं और खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी लगातार कटौती हो रही है, जिसके चलते भाजपा जसपा सरकार से प्रदेश का युवा पूरी तरह से गुस्से में है और कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर उनके हकों के लिए सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।